नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान के काबुल में सरकारी कर्मचारियों की बस पर हमला, एक की मौत, 7 जख्मी। किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक अदालत में फटा हैंड ग्रेनेड, सबूत के तौर पर पेश किया गया था हैंड ग्रेनेड, कांस्टेबल समेत 5 घायल। रूस में आतंकी हमला, 3 आत्मघाती हमलावरों के निशाने पर था पुलिस स्टेशन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने हिरोशिमा परमाणु हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, माफी से किया इनकार, परमाणु रहित विश्व का किया आह्वान। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ पर महाभियोग का खतरा बढ़ा, कांग्रेस समिति ने दी कार्यवाही बढ़ाने की सहमति, लंबे वक्त से चल रही है डिल्मा के इस्तीफे की मांग। अमेरिका में पकड़ा गया लश्कर का बम एक्सपर्ट मोहम्मद उस्मान गनी, 26/11 मुंबई हमले में की थी आतंकवादियों की मदद, ISIS के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करवाना था मकसद। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।